भयम न है को होने नाही। कहा दशरथ, तुम गुरु की सेवा, विप्र की सेवा और गाय की सेवा और देवताओं की सेवा करते। किसकी किसकी? गुरु की, विप्र की, गाय की और देवताओं की पूजा करते हो। गुरु की सेवा क्या है? गुरुपत पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के पैरों की सेवा। अब यहां तो परंपरा नहीं है, भारत में जाएंगे तो दूसरी, आप शायद आप हंसेंगे, जितने शिष्य लोग आएंगे कुछ नहीं, गुरु जी का बस पैर ही दबाएंगे, देखेंगे हर समय कोई पैर दबा रहा है। गुरु के पैर की सेवा होती है। क्यों करनी चाहिए पैर की सेवा? अच्छा, हम लोग पैर छूते हैं ना, ठीक है, पैर क्या है? पैर शूद्र माना गया। और सिर क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब सिर को छू के पालागी कहना चाहिए ना, लेकिन हम लोग पैर को छू के पालागी कहते, यही करते हैं ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, ध्यान से सुन, शास्त्र क्या कहते हैं, हम जो पुण्य करते हैं वो पैर में रहता है, जो हम पाप करते हैं वो सिर में रहता है। यही कहते हैं ना, जब कोई कुछ गलत करता है कहते है उसके दिमाग खराब है, ओकरे मुड़ी पर पाप चढ़ावा, क्योंकि पाप सिर में रहता है। और जब कोई अच्छा काम करता है क्या कहते हैं? अच्छे रास्ते चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, पैर से। तो हमारा पुण्य, जितना हम पुण्य करेंगे वो पैर में रहता है, जितना हम पाप करेंगे वो सिर में रहता है। इसलिए पैर को छूना चाहिए, क्योंकि साधु संत जो मंत्र जपते हैं वो सब पुण्य जो है पैर में, इसलिए पैर को छुएंगे पुण्य को तो पुण्य मिलेगा। अच्छा, एक और परंपरा अपने यहाँ है, अपना सिर पूरा पैर पर रख देंगे। वो क्यों? क्योंकि सिर में पाप है ना, तो पैर में छुआ देंगे तो यहाँ का पाप खत्म हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या कहते, नहीं नहीं पैर में नहीं छूगा, मैं झुकूंगा, तो इसका मतलब और ज्यादा पाप है, समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए अपने यहाँ एक परंपरा थी, है अभी करते हैं लोग, कि ब्राह्मण आए गुरु आए तो पैर धोते थे। अच्छा, अब क्या करते हैं? अब तो पानी थोड़ा बाहर फेंक देते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या नियम है भारत में, कोई महाराज जी आएंगे तो पहले पैर धोएंगे, आश्रम में हम लोग करते हैं ना, और पैर धो के फेंकेंगे नहीं उसको, उसको छिड़केंगे आश्रम में, क्योंकि महाराज जी के पैर का जो पुण्य है पूरे घर में फैल जाए, कुछ पाप की चीज हो घर में शुद्ध हो जाए। यह इसीलिए बहुत बड़ा एक एक विज्ञान और एक सही बात थी, और करना भी चाहिए, और इसी भाव से करना चाहिए कि इन्होंने जो जप किया है सारा पुण्य पैरों में है। और अच्छा, एक काम और करते थे, क्या करते थे वो, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, महाराज जरा मेरे घर में एक बार चल दीजिए, तो महाराज जी जरा मेरे घर में चल, और वो पैर से चलेंगे ना तो घर में जो दुख विपत्ति है, जो कुछ गलत है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, ब्राह्मण नहीं मिलता था या गुरुजी नहीं मिलते थे तो गाय पकड़ के लाते थे, गाय को पकड़ के पूरे घर में घुमाते थे। आज भी है, गृह प्रवेश कैसे करते हैं भारत में, यहां तो नहीं हो पाता, वो पहले गाय लाएंगे, गाय को घर में घुमा देंगे, सब घर में जाएंगे, घर गृह प्रवेश हो गया। अच्छा, गाय नहीं मिली तो कन्या को बुलाएंगे, कन्या के हाथ में नारियल दे देंगे, वो कन्या से कहेंगे एक बिटिया एक बार घर में घूमो। कोई ब्राह्मण आ गया तो उसे कहेंगे एक बार घर में घूमो। अब तो गड़बड़ है, अब तो पंडित जी भी शर्माते हैं, ब्राह्मण भी शर्माते हैं, और यजमान भी सोचता है मैं घर में कैसे घुमाऊं इनको, और पैर छूने पैर धोने में भी शर्म लगती है। लेकिन उसका बस यही है कि जितना पुण्य किए हैं वो पैर में है, और जो हम पाप करते हैं वो सिर में रहता है,
इसलिए सिर में जो पाप है वो संतों के पैर पर रख देते हैं कि अभी शुद्ध हो जाए, गलत रास्ते में चले। इसीलिए तुमने कहा तुमने गुरु, विप्र और गाय तीन की सेवा की और चौथा देवताओं की सेवा की। और सुनो सुनो सुनो, तुमने तो की, कौशल्या ने भी की, कौशल्या ने भी बड़ी सेवा की साधु संतों की। इसलिए देखो यह शुभ काम आया कि देखो तुम्हारे पुत्र का विवाह हो रहा है। कहा जो तुम्हारा पुण्य है वही तुम्हारे पुत्र बन के पैदा हुए। अब ये भी बड़ी बात है, जो हम लोग पुण्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, वही पुत्र बनते हैं, और जो हम पाप करते हैं वो भी पुत्र बन के पैदा होते हैं। अब कहे जो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं अच्छे, अगले जन्म में हो सकता है वो मेरे बाप बने और मैं उनका पुत्र बनूं, और हो सकता है